इनकम टैक्स रिटर्न की जो ड्यू डेट्स हैं वो तो एक्सटेंड हो गई थी 31 दिसंबर 2020 से 10 जनवरी 2021 तक वो एक्सटेंड हो चुकी थी। लेकिन टैक्स पेयर्स को प्रॉब्लम ये आ रही थी जब वो इनकम टैक्स की साइट में जाके इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल करते थे तो, लेकिन फीस अंडर सेक्शन 234F वाली जो पेनल्टी रहती है अगर आप रिटर्न लेट फाइल करते हो, लेकिन वो पेनल्टी लग रही थी। तो ये टैक्स पेयर्स को काफी प्रॉब्लम आ रही थी कि वो रिटर्न फाइल करने जाते थे लेकिन पेनल्टी उनके पोर्टल में लग रही थी, इसीलिए काम नहीं हो पा रहा था। लेकिन इनकम टैक्स ने इसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन निकाल दिया है और आईटीआर फॉर्म्स को अपडेट भी कर दिया है। तो मैं आपको ये नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2021 को, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, उसमें मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सीबीडीटी हैज एक्सटेंडेड द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। सीबीडीटी ने 2021 की, मतलब कि फाइनेंशियल 1920 की जो ड्यू डेट्स है इनकम टैक्स रिटर्न की, उसको एक्सटेंड कर दिया। मतलब पहले 31 दिसंबर 2020 थी इंडिविजुअल केस के लिए, उसको 10 जनवरी 2021 कर दिया। अकॉर्डिंग टू द ITRs आर मॉडिफाइड टू अपडेट द 234A इंटरेस्ट एंड 234F फी कैलकुलेशन एंड द सेम इज अवेलेबल फॉर डाउनलोड। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट ने जो इसमें ITRs है इसको अमेंड कर दिया है, जो सेक्शन 34A 234F के अंडर फीस और पेनल्टी लग रही थी उसको गवर्नमेंट ने जो है उसको ठीक कर दिया है, और अब 10 जनवरी तक अगर आप इसको फाइल करते हो तो पेनल्टी नहीं लगेगी। तो इसके लिए हम लाइव इसको आपको दिखाएंगे कि पोर्टल पे अगर हम इनकम कैलकुलेट करते हैं तो अगर हम रिटर्न फाइल करते हैं तो पेनल्टी नहीं लगेगी। तो मैंने ये इनकम टैक्स में किसी असेसी का ये खोल लिया उसका पोर्टल, और नीचे में जाकर उसके मैं अदर इनकम है जैसे डाल देता हूं, उसकी अदर इनकम है 5 लाख रुपीज। 5 लाख रुपीज जो है उसकी अदर इनकम मैंने डाल दी है, और टोटल इनकम उसकी होगी 5 लाख रुपए टोटल इनकम होगी। जब नीचे जाएंगे तो यहां पे आप देखोगे कि सेक्शन 234 और 234F 234A और 234F में कोई भी इंटरेस्ट और पेनल्टी नहीं लग रही है, ये जीरो आ रहा है। पहले क्या था कि जब हम यहां तक पहुंचते थे यहां पे 5,000 और 10,000 पेनल्टी लग रही थी, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको फॉर्म्स को अमेंड कर दिया। अब कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आराम से जो है इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल कर सकते हो। और मैं अगर इनकम को यहां पे 5 लाख से इंक्रीज करके, अगर मैं 5 लाख इंक्रीज करके इसको मैं 8 लाख करता हूँ, 8 लैक्स करता हूँ, और 8 लाख करने के बाद नीचे टैक्स तो लगेगा, लेकिन आप देख रहे हो सेक्शन 234F में कोई भी पेनल्टी जो है नहीं लग रही है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी। टैक्स पेयर्स को हमें काफी इंक्वायरीज आ रही थी कि ये इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म्स जो है डेट तो एक्सटेंड हो गई है लेकिन पेनल्टीज लग रही है, तो उसको हमने जो है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वीडियो बनाई है कि अब इनकम टैक्स के जो नए फॉर्म्स हैं वो अमेंड हो गए हैं, और अब जो है आप आराम से इनकम टैक्स रिटर्न्स को फाइल कर सकते हो। अगर आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स के बारे में, टैक्स डिडक्शंस के बारे में, जीएसटी के बारे में अगर आप रेगुलर अपडेट्स चाहते हो, आप हमारे अकाउंटिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इंडिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।